राजगढ़ नगर परिषद के पार्षदों ने मांग की है कि नामांतरण प्रकरणों एवं कार्यों सामग्री के बिलों के भुगतान के उस समय पार्षदों को जानकारी होना अनिवार्य है, जिसको लेकर पार्षदों ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदन देकर कहा कि वर्तमान में नामांतरण प्रकरण का निराकरण नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नामांतरण प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है, जिसके कारण हमें जनता द्वारा बार बार समय समय पर नामांतरण नहीं करने की शिकायत मौखिक रूप में की जाती रहती है, जिसके कारण नगर परिषद की छवि बिगड़ती जा रही है, जिसको देखते हुए नगर में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम पार्षद भी जनता के चुने हुए वार्ड जनप्रतिनिधि हैं। नगर में स्थित कॉलोनियों को नगर परिषद के चार्ज में लेने संबंधी प्रकरण भी परिषद मीटिंग में स्वीकृत हेतु समय समय पर रखे जाएं। अतः लंबित प्रकरणों का समय समय पर निराकरण करने के लिए समस्त लंबित नामांतरण प्रकरण एवं समस्त समय पर प्राप्त होने वाले नामांतरण आवेदन का निराकरण हेतु उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक आयोजित होने वाली परिषद मीटिंग में रखा जाने की कृपा करें, ताकि आरोप प्रत्यारोप से बचा जा सके एवं जनता के नामांतरण का निराकरण भी नियत समय अवधि में किया जा सके, जिससे नगर परिषद की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके। भारतीय न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। सीएमओ मैडम को हम समस्त 15 कुल पार्षद है, जिसमें मैं एक उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अजय जायसवाल है, और कुल 13 पार्षद सहित मेरे सहित 14 जनों ने हमने साइन करे हैं उस आवेदन में। उसमें आवेदन में हमने मांग करी है नामांतरण जितने भी नगर के कॉलोनी के समस्त नामांतरण प्रकरण है वो परिषद की मीटिंग में रखे जाए, क्योंकि हमें जनता से बार बार शिकायत मिलती रहती है कि हमारा नामांतरण नहीं हुआ, हमारा नामांतरण नहीं हुआ। किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गया, नामांतरण नहीं हो पा रहे। तो हमने मैडम से यह आवेदन के माध्यम से मांग करी है कि समस्त नामांतरण प्रकरण मीटिंग में रखे जाएं, जिसमें तत्काल हम सदस्य जांच कर अधिकारियों के साथ तत्काल हम उसकी नामांतरण की स्वीकृति दें। दूसरा, जितने भी निर्माण कार्य या जितने भी मदों से 1 लाख से ऊपर के जितने भी बिल भुगतान है उसकी स्वीकृति तो परिषद देती है, परंतु उनके बिलों के भुगतान की स्वीकृति भी नगर परिषद से लेके और 1 लाख से ऊपर के जितने भी बिल का भुगतान है वो परिषद से स्वीकृति लेके 10% उसके पश्चात भुगतान किया जाए। इसी बात को लेके आज हमने कुल 14 जनों ने सीएमओ मैडम को आवेदन दिया है। अगर इसमें भी अगर हमारे आवेदन के माध्यम से अगर कार्रवाई नहीं होती है या हमारा सुझाव नहीं माना जाता है तो हम कलेक्टर धार से मिलेंगे।